हाँ, तो समाकलन आपको पढ़ना है। इसमें समाकलन क्या होता है, इसको परिभाषित किया जा सकता है आप अवकलन की दृष्टि से। इससे अवकलन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। अवकलन क्या होता है, आपको बताया जा चुका है कि अवकलन का फार्मूला dy/dx = लिमिट s→0 fx + h fx/h। ये फार्मूला, इससे हम क्या निकालते हैं, किसी भी फलन का अवकलन निकालते हैं। तो जो समाकलन को हम परिभाषित करते हैं, ये इसका रिवर्स ऑपरेशन है। अवकलन क्या है, एक प्रक्रिया है, क्या निकालने की, अवकलज। अवकलज निकालने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं, और अवकलन का की विपरीत प्रक्रिया ही समाकलन कहलाती है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समाकलन। यानी जैसे अगर कोई फलन आपको दे दिया जाए y = fx, और आपसे कह दिया जाए इसका अवकलन करिए, तो आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं dy/dx = f(x) का अवकलन f(x)। तो इस f(x) से इस f(x) को निकालने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलन। लेकिन f(x) से f(x) को निकालने की प्रक्रिया को, f(x) से क्या निकालने की प्रक्रिया को, f(x) निकालने की प्रक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकलन। तो ये स्पेशली आपकी समाकलन की परिभाषा है। समाकलन किसे कहेंगे, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। तो जितने भी अवकलन में आपके आंसर होते हैं, वो समाकलन में आपके प्रश्न बन जाते हैं। और उस प्रक्रिया द्वारा आप देखिए, बताया गया आपको f(x) से f(x) निकालेंगे तो अवकलन, f(x) से अगर हम क्या निकालेंगे, f(x) निकालेंगे, तो वो प्रक्रिया क्या होगी, आपकी समाकलन होगी। यानी अवकलन में जितना भी आंसर आएगा वो समाकलन का आपका प्रश्न होगा। इसके बाद आप जानते हैं ये हमने किस रूप में परिभाषित किया, एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। यानी अवकलन की विपरीत प्रक्रिया के रूप में हमने समाकलन को जाना। इसको और रूपों में भी जाना जाता है, फिलहाल अभी आपको इसी रूप में पढ़ना है, इसी रूप में जानिए। अब इसमें जैसे अब किसका किसका अवकलन जानते हैं, वो आपको पता ही होगा। x^n का अवकलन क्या होता है, x^n का अवकलन आप पढ़े हैं nx^n-1। यानी n-1 का अगर आपसे समाकलन पूछा जाए, n को इधर कर दें, तो x^n/n होगा। किसका समाकलन, x^n-1 का। वैसे ही इसमें हम x^n का जो समाकलन निकाला जाता है, देखिए यहाँ पे क्या था आपका, n-1 थी, यानी n से एक घात कम थी। यहाँ पे कितना हो गया, n हो गया, यानी एक घात बढ़ गई। और यहाँ भी वही चीज लिखा गया, यानी बढ़ी हुई घात नीचे लिखी गई। तो x^n का जो आपका समाकलन होगा, इसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x^n dx। ये बराबर होगा आपका x^n+1 upon n+1 + c। ये c जो आपका कांस्टेंट जोड़ा जाता है, इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो समाकलन को हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। कौन सा समाकलन, अनिश्चित। क्यों, क्योंकि c की जो वैल्यू होती है वो निश्चित नहीं होती, डिफाइन नहीं होती है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। इसलिए जब भी हम समाकलन करेंगे, यहाँ पर अगर लिमिट नहीं दी गई है, तो ये अनिश्चित समाकलन कहा जाता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इसी तरह आप जान सकते हैं, आप पढ़े हैं cos x किसका अवकलन होता है, sin x का। यानी sin x का cos x का समाकलन क्या हो जाएगा आपका, sin x। इसी तरह -sin x किसका समाकलन होता है, सॉरी अवकलन होता है cos x का। cos x का अवकलन -sin x, तो -sin x का समाकलन हो जाएगा cos x। इस माइनस को यहाँ से हटा करके आप यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह दूसरा फार्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx -cos x। इसी तरह आप और भी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे sec²x किसका अवकलन होता है, tan x का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका sec²x का समाकलन होगा कितना होगा, tan x होगा। इसी तरह आपसे अगर पूछा जाए cosec²x किसका समाकलन होता है, तो आप -cosec² होता है किसका, cot x का। तो अगर माइनस यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ माइनस आपका लग जाएगा। तो इस तरह cosec² x का समाकलन क्या आ जाता है, -cot x। sec² हो गया, cosec² हो गया। इसी तरह आप पढ़े हैं ये भी कि
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका अवकलन होता है माइनस में, आप बताते हैं माइनस कोसेक एक्स का होता है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। इसी तरह आप जानते हैं कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका अवकलन होता है, सेक एक्स का होता है, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। यानी हमने पहले बताया कि जब भी आप क्या पढ़ते हैं, समाकलन पढ़ते हैं, तो जो अवकलन का जितना भी उत्तर इधर उत्तर लिखा जाता है और प्रश्न आपका इधर आ जाता है। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि समाकलन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन, यानी अवकलन की विपरीत प्रक्रिया का नाम ही क्या है, आपका समाकलन है। आगे देख सकते हैं आप इसमें किस मेथड से हम समाकलन निकालते हैं, ये फार्मूला आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आप समाकलन निकालते हैं वो दो विधियों से निकालते हैं प्रायः, इसमें हम एक निरीक्षण विधि लगाएंगे, निरीक्षण विधि, और दूसरी आपकी है सूत्र द्वारा। इसके अलावा भी सारे मेथड हैं, इसके बाद मिलेंगे, पहले निरीक्षण विधि पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि पहली एक्सरसाइज आपकी निरीक्षण विधि पे ही आधारित है। तो निरीक्षण विधि को बाय इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं अंग्रेजा में, बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाय इंस्पेक्शन मेथड क्या है, जब भी आपसे किसी चीज का समाकलन पूछ लिया जाए तो आप निरीक्षण ये करते हैं कि ये चीज किसका अवकलन होता है, ये चीज किसका अवकलन होता है, यही निरीक्षण आपको करना है। तो जैसे आपको एक्स स्क्वायर का समाकलन पूछ लिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स याद कीजिए, तो इसको तो आप एक डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं, एक्स पावर एन वाला फार्मूला। एक्स पावर एन का समाकलन क्या बताया अभी हमने, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, फार्मूला याद हो जाना चाहिए आप सभी को। तो इसी के आधार पर रख दीजिए इसमें, तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, यानी एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, ये आपका समाकलन मिल गया। लेकिन अगर निरीक्षण विधि से कह दे, किस विधि से, निरीक्षण विधि से कह दे कि आप इसका समाकलन ज्ञात कीजिए, तो आपको ढूंढना ये है कि ये किसके अवकलन में आएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर दो घात आ रही है इसका मतलब तीन घात का अवकलन किया गया होगा। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, कि एक्स क्यूब का जो अवकलन होता है डी बाई डी एक्स वो कितना होता है, एक्स थ्री एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हमको समाकलन निकालना है तो दोनों पक्षों का अगर समाकलन कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब डी एक्स बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री बाहर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये देखिए डी बाई डी एक्स और डी एक्स, क्योंकि समाकलन भी, ये अवकलन भी किया गया और समाकलन भी किया गया, तो किसी चीज़ को वैसे ही चाक है इसको पलटिए, फिर एक बार पलट दीजिए तो चाक पहले स्थिति में आ जाएगा। कोई व्यक्ति आप ही को अगर दो बार पलटा जाए तो आप क्या किस स्थिति में आएंगे, सीधे वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको अगर इसका जो अवकलन किया गया फिर समाकलन कर दिया जाएगा, यानी ये दोनों प्रक्रियाएं हट जाएंगी, सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब, तो यानी ये इक्वल टू मिलेगा आपको थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब। तो इस तरह एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर मिल जाएगा आपको एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। अब सी क्यों जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे आपका, यहाँ अगर कोई कांस्टेंट राशि भी होती, यहाँ कोई कांस्टेंट राशि भी होती तो इसका अवकलन कितना हो जाता, शून्य हो जाता। यानी यहाँ कांस्टेंट राशि हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ जोड़ दिया जाए तब भी इसका अवकलन कितना आएगा, शून्य आएगा, यानी यहाँ पे कोई हमको राशि मिलने वाली नहीं है। इसलिए तो ये आपका मेथड है, कौन सा आपका, बाय इंस्पेक्शन मेथड, यानी निरीक्षण विधि द्वारा हम कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, पहले देखेंगे जिसका समाकलन करना है वो किसके अवकलन में आता है। जैसे एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है तो एक्स स्क्वायर किसके अवकलन में आएगा, ये चीजें जान सकते हैं। कंटिन्यू करिए, स्टार्ट। हाँ, तो ये आप जान गए कि हमने एलजेब्रिक फंक्शन लिया था एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपसे जैसे कोई और चीज पूछ लिया, मान लीजिए कि साइन एक्स किसका, साइन एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप जानते हैं
कि साइन एक्स किसका अवकलन होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स के अवकलन में आता है, या मान लीजिए यहाँ पर 3 ऐड कर दिया या 4 ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, यहाँ पे 4 साइन एक्स ऐड कर दिया, इसका समाकलन पूछ लिया, तो पहले आपको कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना, साइन एक्स ध्यान देना, साइन एक्स किसके अवकलन में आता है, फिर वही लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि साइन एक्स किसके अवकलन में आता है, कॉस एक्स के अवकलन में, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है बराबर कितने के, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। अब यहाँ पे हमको डी बाई डी एक्स हटाना है, इसलिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये मिल गया। अब आपको ये चीज़ यहाँ प्राप्त करनी, यहाँ पे ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ जब यहाँ पे बन जाएगी तो बाकी जो आएगा वही इसका समाकलन यहाँ पे हो जाएगा। फिर वही काम कि इसका देखिए कॉस एक्स का क्या किया गया, अवकलन किया गया, समाकलन भी किया गया, फिर वही चीज़ आपको एक बार पलटें, फिर वह एक बार पलट दें तो जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, यानी कॉस एक्स यहाँ पर आपका सीधे सीधे कॉस एक्स बच जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, यहाँ 4 हमको चाहिए, तो 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमको यहाँ 4 से भाग भी करना पड़ेगा, या 4 से इधर गुणा करें तो इधर भी कर दीजिए, तो इस चीज़ को हम अगर इधर ले आएँ तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 4 कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका समाकलन मिल जाता है। कौन से मेथड हम निकालना है, बाय इंस्पेक्शन मेथड, यानी कौन सी विधि द्वारा निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं हम, आगे देख सकते हैं, इसी तरह आप कोई भी निकाल सकते हैं, बाकी जो फार्मूले हैं वो आप लिख ही चुके होंगे, कुछ फार्मूले आपको और प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, 1/x का समाकलन 1/x dx, इसका समाकलन होता है log ऑफ मॉड x, और इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x का समाकलन ये होता है आपका a की पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c, सब में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ा रहेगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए आपके, अलजेब्रिक फंक्शन हो गए, बाकी जितने भी अवकलन हैं वो याद कर लेंगे, जैसे आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x2, तो इसका समाकलन √1 - x2 का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ √1 + x2 का समाकलन क्या हो जाएगा, आपका टैन इनवर्स x हो जाएगा। इसी तरह आपका 1/x√x2 - 1 यहाँ मापांक लगाया जाता है, dx ये किसका अवकलन है जी, sec इनवर्स x का है। तो अगर आपको समाकलन पढ़ना है तो अवकलन के सारे फार्मूले आपको पहले से क्लियर होने चाहिए, अगर अवकलन के फार्मूले क्लियर हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, इसको फार्मूला नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज करिएगा और अच्छे से मेहनत से पढ़िए घर पे रह करके। धन्यवाद।